अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन समनिया। आपने हमारी मेले में मेले वाली वीडियो देखी है। मेले पर गए थे तो हमने वहाँ पर लड्डू देखे, लड्डू पीटियाँ। हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। शेप की टेंशन ना लें, हमने ही खाने हैं। शेप चाहे गोल हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन समनिया। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और देख रहे हैं, तो हम उनके लिए एक और वीडियो लाएँ। जैसा कि आपने हमारी मेले में मेले वाली वीडियो देखी है। मेले पर गए थे तो हमने वहाँ पर लड्डू देखे, लड्डू पिठियाँ वाले लड्डू जो होते हैं, हमने वो देखे। हमने सोचा आप क्यों ना आप लोगों को भी सिखाया जाए। बहुत ही आसान और मुख्तसर सा तरीका है लड्डुओं का। तो हमने देशकी में पानी पहले से डाल लिया है, 2 कप पानी का डाला है। हमने चटनियाँ दो तरीके की चटनियाँ बनाएंगे, सॉरी, तो एक मीठी चटनी एक खट्टी चटनी। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे मीठी चटनी। तो अब हम अपनी पहली चटनी की तरफ चलते हैं। हमने 2 कप पानी ले लिया, उसमें हम ऐड करेंगे अपने आलू बुखारे पानी समेत। चीनी, 1/2 कप चीनी है, 2 टेस्ट। आपको जितनी मीठी चटनी अच्छी लगती है आप उतना करें। हम लोगों ने 1/2 कप लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, नमक 2 टेस्ट, सिलका भरकर 1 चम्मच, चटनी हमारी पक रही है तो हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, वो नीचे से लग भी सकती है। हम इसको 5 या 6 मिनट के लिए हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये आलू बुखारा और ये मतलब सब कुछ मिक्स हो जाएगा ना, ये देखिए, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे, ठीक है। जब तक हमारी ये पकती है तब तक हम अपनी खट्टी चटनी बना लेते हैं, इमली की चटनी। तो अब हम आ गए अपनी खट्टी चटनी की तरफ। खट्टी चटनी के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी। लो फ्लेम पर हम पानी को भी रखेंगे, एकदम से झट से गरम गरम नहीं पानी करेंगे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इमली, बहुत ही टेस्टी और शानदार है ना, आपका ज़्यादा गला ख़राब होगा। लोग तो टाटरियाँ वगैरह डालकर इसको खट्टा करते हैं, लेमन वगैरह, तो हमने जस्ट इमली ली है। नाउ एडेड सॉल्ट 2 टेस्ट, लाइक 1/2 टीस्पून। हम अब इसको पकाएंगे। अब इमली को नमक के साथ पकने देंगे कुछ देर के लिए, बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में लगाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद का चम्मच 1 चम्मच भर के। आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने शहद लिया है, इसमें हम शहद ऐड करेंगे खट्टी चटनी में। कुछ लोग चीनी डालते हैं, हाँ आप चीनी भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब हम अपनी आलू बुखारे की चटनी को ब्लेंड करेंगे। चटनी को एकदम से नहीं डालना गरम गरम, फौरन चूल्हे से उतार के, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने इसको ठंडी सी रूम टेम्परेचर पे करके फिर इसको ब्लेंड करना है। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पर पकाएंगे। तीन से चार मिनट के लिए अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, ये ठीक हो जाएगी खुद ही।
तो अब हम अपनी इमली की चटनी की तरफ आ गए हैं, तो अब हम इसको करेंगे स्टेन केयरफुली। स्मोक आ गया कैमरे पे। इसको दबाएंगे, इमली के अंदर खटास होगी। इसको प्रेस करेंगे, इसके अंदर से जितना हो सके हम उसका पानी निकाल लें। आलू बुखारे की चटनी हमारी तैयार हो गई है, अब हमारी इमली की चटनी भी तैयार होने वाली है। तो अब हम अपनी इमली की चटनी की तरफ आ गए हैं दोबारा से। अब हम अपनी इस चटनी में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे 5 फ्लेम पे। नमक 2 टेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें। अभी हमारी पकना स्टार्ट हो गई है, इस पर बॉईल आने लग गया, तो अब हम इसमें मेन चीज़ ऐड करेंगे, वो है कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे, मिक्स करते जाएंगे। आपको हमारी हर वीडियो में सरप्राइज नज़र आएगा। इमली की याद रखना है, इमली की चटनी में कॉर्नफ्लोर डलेगा, खट्टी चटनी में। हमारी खट्टी चटनी तैयार हो रही है, अभी तो खाई भी नहीं है, गले में पहले से आ गई है खराश। तो अब हमारी खट्टी चटनी जब तक तैयार होती है, इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम चलते हैं अपने लड्डू के मटेरियल की तरफ। तो अब हम अपने लड्डू के मटेरियल की तरफ आ गए हैं। तो लड्डू के लिए हमें चाहिए है 1 पाव चने की दाल, जिसको हम करेंगे ग्राइंड, ब्लेंड करेंगे अच्छे से। इसको ऐड कर रहे हैं, इसमें हमें पानी का एहतियात करना पड़ेगा कि इसमें पानी ना जाए एक्स्ट्रा, इससे ये होंगे कि हमारे लड्डू क्रिस्पी नहीं होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मार्च की दाल, 1/2 कप है ये। अब ये कितने ग्राम है 1/2 कप में, ये आइडिया नहीं है, लेकिन हमने 1/2 कप लिया है। तो अब हम अपने तो दाल हमारी ब्लेंड हो चुकी है। मलाई की तरह तब हम इसे निकालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे लड्डू के मटेरियल के अंदर ज़ीरा। ज़ीरे को आपने झट से नहीं डाल देना है, आपने इसको ऐसे झाड़ झाड़ के डालना है।
क्या वो एक ही जगह पे ना ठहरा रही, ये दाल है, ये कोई उस तरह की चीज़ नहीं है। नमक को भी हम इस तरह ही डालेंगे जिस तरह हमने ज़ीरे को ऐड किया था। नमक भी इसमें हम 2 टेस्ट ऐड करेंगे। ज़ीरा डाला है, नमक डाला है और मटेरियल के अंदर था दाल और माश की दाल, ये 2 दालें हैं। माश की दाल इसलिए ऐड होती है इसमें कि इससे हमारे जो लड्डू होते हैं ना वो क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमारी आपने मेले वाली वीडियो देखी है, अगर आप लोगों का दिल कर रहा है कुछ और भी मेले जैसी आसान तरीके से कुछ खाना है आपका दिल कर रहा है तो घर पर फट से बनाने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने और क्या खाना है ऐसा जो आपको लगे कि जो आप घर पर बना सकते हैं आसान तरीके से, तो हम आपको वो सिखाएँगे। हमने अपने चूल्हे पर ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था, तो अब हम अपने लड्डू को आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह। आपने गर्म पानी में चम्मच को डिप करके रखना है, उसके बाद आपने इसको लड्डू के साइज़ के हिसाब से आपने निकाल लेना। डीप फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई से फिर वो ये होता है कि ना स्टोमक डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कि इसे डीप फ्राई चीज़ों से परहेज़ करें। घर पर तो आप बना रहे हैं लेकिन घर पर भी अगर बना रहे हैं ना तो डीप फ्राई ना किया करें। इसको स्मूथली नीचे रखते जाएं। यहाँ पर हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं, लेट्स सी के किस तरह के बनते हैं। आप लोगों के लिए हम अलग अलग सी चीज़ें ला रहे हैं बनाने आसान तरीके से जो घर पर पड़ी होती हैं। हर घर में हर चीज़ पड़ी होती है तो क्यों ना हर कोई अपने दिल को क्यों ललचाए, तो क्यों ना आप लोग खुद ही घर पर बनाएं और खाएं। सफाई का ख्याल रखा करें, किचन को गंदा ना किया करें। इसको झट से पलटा देंगे। हम इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे, एक ही जगह से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। हम इसकी साइडें चेंज करते जाएंगे। खूबसूरत लड्डू हैं। ये देखिए अपना कलर छोड़ दिया है। अभी ऐसा ऐसा अपना शेड दे रहे हैं लड्डू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, देखकर ये ना किया करें कि बस देख ली, लाइक भी किया करें। बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है हमारे लड्डू की। ऐसा लग रहा है हम किसी लड्डू वाली रेड़ी पर खड़े होकर खा रहे हैं। गंदे गंदे खाने से अच्छा है कि आप अपने घर पर ही तैयार किया करें। हमारी वीडियोस देख देख के आसान तरीके से खाने घर पर तैयार करें। डीप फ्राई चीज़ों से परहेज करें।
हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। ज़्यादा लाल भी नहीं करने, येलो शेड ठीक है। शेप की टेंशन ना लें, हमने ही खाने हैं। शेप चाहे गोल हो, ये हमारे लिए गोल ही है। हाँ गोल ही है, क्रिस्पी और मज़ेदार लड्डू हमने फ्राई कर लिए। तो लड्डुओं के साथ जो सलाद खाई जाती है वो है सिर्फ मूली, बहुत ही बारीक हाथ की मूली होनी चाहिए, बड़ी बड़ी। तो हमारी दो तरह की खूबसूरत चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं। एक चटनी का नाम है खट्टी चटनी, एक चटनी का नाम है मीठी चटनी। तो ये है हमारे खूबसूरत से लड्डू, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये है हमारे लड्डू की सैलड, मूली रेडिश। तो अब हम कर रहे हैं अपने लड्डू को खाने के लिए रेडी। तो हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार, बहुत ही टेस्टी यम्मी लड्डू, क्रिस्पी। ओए बहुत ही यम्मी क्रिस्पी लड्डू हमारे तैयार है, इसको खाएं चटनी वगैरह डालकर मज़े से। ये हमारे बाकी के लड्डू हैं, हमारी चटनी है और हमारी सैलड है रेडिश। तो आप हमारे लड्डू को एंजॉय करें, घर पर बनाएं। हम अब मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।